पार्ट वन और पार्ट टू कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन में मैंने लगभग लगभग कॉन्सेप्ट दे दिया है, और जितना कॉन्सेप्ट दिया है वो फिजिक्स के लिए उतना काफी है, उससे ज्यादा फिजिक्स में इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसका यूज 12th के मैथ में, 11th का लास्ट टॉपिक भी ये है, चैन रूल। 12th में तो चैन रूल से शुरुआत ही होती है, मतलब चैन रूल का हर एक चैप्टर में इस्तेमाल, बिना इसको जाने हुए आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ सकते। ओके, इसे देखिएगा, फॉर्मूला यद्यपि मैंने सब लिख दिया है, कुछ फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, सिर्फ आप लोग को बोलना है, हालांकि इसका इस्तेमाल अभी अद्वत है, इसमें मैं दूसरे फॉर्म लिख रहा हूँ। आपसे जब भी कोई पूछता था डी साइन एक्स क्या होता था, कॉस एक्स, यस बोलते जाइए, यस सर, बी कॉस एक्स माइनस डी टेन एक्स, बाकी होगा और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डी एक्स टू दी पावर एन पूरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, जितना मुझे समझाने में जरूरत पड़ेगा डी के पावर एक्स रूट एक्स वन बाय टू। ओके, यस सर, डी लॉग एक्स सब पढ़ लिया, और बहुत सारे फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, ये सभी सिंगल सिंगल फंक्शन का डिफरेंशिएशन का क्या है। इससे मैं थोड़ा सा ऊपर उठा तो मैं बोला कि जब इन लोग प्लस के रूप में मिल जाए तो क्या होगा, ये प्लस साइन एक्स हो तो वो भी मैंने बता दिया, माइनस ग्रुप में मिल जाए क्या हुआ वो भी मैंने बता दिया, इनटू ग्रुप में मिले क्या हुआ तो भी मैंने बता दिया, डिवाइड ग्रुप में मिले तो क्या होगा वो भी मैंने बता दिया आपको। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब सवाल थोड़ी सी और बड़ी होती है, जैसे मान लो कोई पूछे आपसे बाबू जरा इसका डिफरेंशिएशन बताओ वाई इक्वल टू साइन कॉस एक्स, अब समस्या यहां ये खड़ी हो रही है कि मैं साइन एक्स का तो पढ़ा था, साइन एक्स पढ़ा था, साइन के मुंह में जैसे आपके मुंह में लड्डू तो गया था लेकिन आपके मुंह में कोई जैसे भी डालने लगे चल जाएगा क्या, क्योंकि वो साइज से बड़ा है, एसएसबी है, साइज से बड़ा। जब उस तरह के एसएसबी टाइप के फंक्शन आपके एंगल में मिल जाए, या जैसे मान लीजिए कोई बोले आपसे, जैसे कोई बोले आपसे वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर एट प्लस वन, आप आराम से कर लोगे, अरे यू प्लस बी के फॉर्म में, लेकिन कोई बोले कि नहीं इसका पावर मान लो 18 है, समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ अगर यहाँ स्क्वायर तक भी होता, क्यूब तक होता, फोर तक होता तो ए प्लस बी के पावर फोर, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का स्क्वायर, पर अब चेंज कर देते, ये भी क्या हो गया, तो एस एस बी हो गया, साइज से बड़ा हो गया सर। इन तमाम तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए, तमाम तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक औजार है जिसका नाम है चैन रूल। क्या नाम है जी? तो चैन रूल। और उसमें बिना मैथमेटिक्स पढ़ने वाले किसी मैन को चैन नहीं आता है। आइए बताते हैं चैन रूल, और चैन रूल कब लगता है, इसका नाम है चैप्टर का डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या नाम है जी? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक जो पढ़े थे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन पढ़े थे, एक फंक्शन का साइन एक्स से क्या हुआ, तो यू टू बी में जो मिलता भी था उसको बारी बारी करते थे, एक के बाद नहीं कर पाते थे। इसे हम और आप लोगों को करना है, मान लीजिए एक को पीछे रखते थे कांस्टेंट, एक को करते थे मतलब एक फंक्शन को करते थे, फिर आराम करते थे, फिर उसको पीछे रखकर फिर एक को करते थे। मैं अब तक आप एक करने सीखे हैं, लेकिन एक के साथ साथ बहुत सारे विजय धक्का छोड़ के भाग जाएंगे, करेंगे कि डरेंगे करेंगे। इस चैप्टर का ओरिजिनल नाम है डियर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या नाम है जी? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन फंक्शन ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन
फलनों के फलन का अवलोकन। बहुत चीज इंग्लिश में समझ नहीं आता तो हिंदी में बोलने समझ में आता है। स्कूल करने से पता नहीं चल रहा है कुछ करता में क्या हो रहा होगा, लेकिन विद्यालय जब ही कहिएगा हम लोग हिंदुस्तान के बच्चे हैं, विद्या जुड़ा ले तो विद्या का कार्य हो। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन और फंक्शन है, मतलब फलनों के फलन का अवलोकन। अब फलनों के फलन में नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझिए कि मामा के मामा, समझ में आ गया, अपने रिलेटिव के रिलेटिव, फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे अपने मामा के पास जाना कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे। एक कोई बोले कि मामा के मामा के फूफा के जीजाजी के पास जाओ तो टफ हो गया ना, हो गया। रिश्ता के रिश्ता के रिश्ता के रिश्तेदार हो गए, तो उन तमाम तरह के सवाल को बनाना होगा। तो आराम से इसी चैनल से हम लोग बनाते हैं। तो मामा के फूफा की जीजाजी के पास जाना हो तो पहले किसको पकड़ोगे, अपने मामा। चलिए अपने मामा से मिलवा दीजिए, जब उनसे मिलेंगे तो बोलेंगे अपने फूफा से मिलवा दीजिए, उनसे कहेंगे आपके जीजाजी जो है जिंदा है कि चले गए। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशन वैसे ही करते थे। जैसे आज के पहले जो हम लोग को डिफरेंशन मिलता था, डायरेक्ट मिलता था हम लोग को वाई बराबर का जी तो साइन एक्स, और कहता था कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, जी तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई को करना होता था एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग लिखते थे डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखते थे हम लोग डीवाई बाई एक्स, और साइन एक्स का क्या होता था कॉस एक्स। y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, y को किसके करना है x के रिस्पेक्ट में करना है, तो होता था dy by dx। अब इसको दूसरे भाषा में मैं समझाता हूं। जब भी आपको y बराबर मान लो कोई का sin x, तो इसको समझना y को डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में नहीं, y को मिलना है x से। y को मिलना है किससे जी, x से। तो y को मिलना है x से, तो आप लिखते हैं इसको dy by dx, मतलब जिसको मिलना y को मिलना है तो y रहेगा ऊपर, और जिससे मिलना है वो रहेगा नीचे। जैसे हमको मिलना है आपसे तो हम रहेंगे, आप रहेंगे नीचे। आपको मिलना है अपने पापा से तो कौन ऊपर रहेगा, पापा ऊपर रहेंगे। y को मिलना है x से, जिसको मिलना है वो कहाँ है ऊपर, और जिससे मिलना है वो कहाँ हो गया नीचे। तो आपको मिलना है पापा से तो आप रहेंगे ऊपर, पापा रहेंगे नीचे। आपको मिलना है उनसे कौन ऊपर रहेगा, जिसको मिलना है ऊपर आता है, जिससे मिलना है वो कहा जाता है नीचे। अब हम लोगों को फंक्शन ऑफ हो सकता है, ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। लेकिन ऐसा मिल जाए, मान लीजिए आपको सवाल मान लो मिल जाए आपको y इक्वल टू साइन टेन लॉग एक्स, अब हो गया ये फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, तीन रिश्तेदार। अगर लॉग एक्स के बाद फिर एक हो जाए, यहाँ पर चार फंक्शन हो जाएंगे, नहीं जाएंगे। मतलब कि एक से यहां तो केवल y को मिलना था x से, a को बॉडीगार्ड था केवल sin, तो sin को मार दिया और x कहां आ गया नीचे, और sin x क्या हो जाता है तो cos हो जाएगा। जैसे आप मान लिया, आप क्या नाम है, अंकित जी, अंकित जी आपको मिलना है मोदी जी से, डायरेक्ट मिल लेंगे आप चौबे सर हैं गए तो चढ़े आके पढ़े, ऐसा तो नहीं है, कैसे मिलेंगे आपको सबसे बड़े नेता जो बीजेपी के उनसे बात करेंगे, कौन है विधायक, चौरसिया जी, चौरसिया जी भी डायरेक्ट नहीं मिलवा सकते, ऐसे नहीं पूरे भारत में कितना विधायक है, बहुत विधानसभा है, तो अभी डायरेक्ट जाएंगे कहाँ, झारखंड के सबसे बड़े नेता से जो बीजेपी का होगा, कौन है, बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी का भी हो सकता है डायरेक्ट पकड़ना हो, जाएंगे राजनाथ सिंह से कहेंगे थोड़ा सा भाई देखिए, राजनाथ सिंह कहेंगे नहीं आई तो हमको फुर्सत नहीं है, बड़ा बड़का पद मिला है, जाओ स्मृति ईरानी से मिल लो, उसे पढ़ता है मोदी जी का, तो जाकर हो सकता है स्मृति ईरानी आपसे मिला है, देखिएगा क्या नाम है आपका, मान लिया जाए अंकित को मिलना है मोदी से, तो अंकित रहेंगे ऊपर और मोदी रहेंगे नीचे, बताया ना, जिसको मिलना है ऊपर और जिससे मिलना है वो नीचे। कैसे कैसे मिलेंगे जरा देखना, पहले अंकित जी मिले चौरसिया जी से, अंकित मिला चौरसिया जी, मिला इनको बाबूलाल मरांडी से, जिसको मिलना है ऊपर और जिससे मिलना है वो नीचे, बाबूलाल मरांडी मिला दिए इनको राजनाथ सिंह से, फिर राजनाथ सिंह इनको मिला दिए किसे जी तो स्मृति ईरानी से, अब स्मृति ईरानी मिला दी इनको किसे जी तो मोदी से,
मेन मजा तो अब आएगा, देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए क्या होगा, डीसी डीसी कट गया, डीबी डीबी कट गया, ऊपर नीचे कटता है जी, डीआर डीआर कट गया, डीआई डीआई कट गया, बच्चे क्या डीए बाई डीए, मतलब अंकित मिल गया किससे भी, तो मोदी से बाकी सब चले गए। इसको बोलते हैं हम लोग चैन रूल, जैसे कहानी जैसा समझाया हमने। अब चैन रूल क्यों बोलते हैं इसको, साइकिल का चैन देखे हैं, पूरा चैन सही है, एक केवल नट निकाल दो उसमें से तो पूरा चैन बिगाड़ हो जाएगा। अब इसको चैन रूल क्यों बोले, पूरा मिलते मिलते गए, सबसे मिल लिए, पता चला कि स्मृति ईरानी विदेश गई है, लौटना पड़ गया, या स्मृति ईरानी से मिल गया, पता चला कि मोदी तो भी गए हैं श्रीलंका, पूरा चैनिंग सिस्टम गड़बड़ हो गया। अब देखिए करते क्या है इसमें, इसमें समस्या क्या है, अंकित को मिलना था मोदी से, तो अंकित के नीचे में बहुत लोग आए लेकिन ये चैन नहीं लिया, अंकित के नीचे जो रसिया दिया है फटाक से ऊपर ले गया, नहीं आपसे नहीं मिलना ऊपर चलिए, फिर इनके नीचे बाबूलाल मरांडी भी आए, ये भी नीचे आए बोले ऊपर चलिए आपसे नहीं मिलना है, इनके नीचे राजनाथ सिंह भी आए बोले नहीं नहीं ऊपर चलिए आपको, फिर इनके नीचे स्मृति ईरानी भी आई बोले ऊपर चलिए, हाँ जिससे मिलना था यह लास्ट में क्या था डीएम, डीएम आ गया सब चीज हुई, मतलब तब तक ऊपर नीचे हम लोग करते रहते हैं जब तक जिससे मिलना है वो मिल जाए। अब जरा गौर से देखेंगे आप आगे क्या होता है, तो आपने देखा कि तब तक हम लोग उसको ऊपर ले जाते रहेंगे, ऊपर ले जाते रहेंगे, ऊपर ले जाते रहेंगे, ऊपर ले जाते रहेंगे, जब तक कि जिससे मिलना है नीचे ना आ जाए। जिससे मिलना है कहने का मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो मतलब हमको एक्स से मिलना है। तो मैं ये सॉफ्टवेयर डाल रहा हूँ आप में, ठीक है, बच्चे ज्यादा समझते हैं बोल चाल का भाषा, इसलिए मैं उसी भाषा में बता रहा हूँ। तो एक और से देखेंगे, एक सवाल मिल रहा है जी आपको, पहला सवाल इससे शुरुआत करते हैं, इसके बाद इसको बताएंगे, फिर एक और बड़ा बताएंगे, फिर उसको बताएंगे, इसके बाद तो बुक पे आएंगे, ठीक है, पढ़ने मिल जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग, मान लिया जाए क्वेश्चन मिल गया वाई इक्वल टू साइन कॉस एक्स, सारा चीज कॉन्सेप्ट में होता है जी, आप में कुछ है ना हमने कुछ है, आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसी में सारा चीज है। अब कॉन्सेप्ट अगर आपके पास होगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पैसा भी काम कर लेंगे। जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, कॉन्सेप्ट में सॉफ्टवेयर, मोबाइल में सॉफ्टवेयर है तो उसमें चाहे आप 333 × 15 कर दीजिए तुरंत बता देगा, क्या 333 × 15 के बाद 155 कर दीजिए तुरंत बता देगा, वो बच्चा नहीं है खाली पढ़ा उसको याद है, क्योंकि ये है सॉफ्टवेयर। ओके, अब देखिएगा सवाल मिला आपको, अब फॉर्मूला पर जरा विचार करते हैं, यहाँ पर आइए, इस फॉर्मूला को आज के पहले हम दूसरे तरह से लिखे थे, आज दूसरे तरह से लिखे थे, अब गौर नहीं कर रहे हैं, आज के पहले हम ऐसे, आज के पहले हम ऐसे लिखते थे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, अब इसको लिखते थे कॉस एक्स, आज लेमा को पूरा मार दिए हैं, तो कोई भी एक्टिविटी होती है तो आपके लिए होती है, आप समझते हैं कि हंसा रहे हैं लेकिन हम हंसा इसलिए है कि आपका थोड़ा सा साफ हो जाए, और उसमें साफ हो जाए, जब बच्चे हंसते हैं तो उनका दिमाग खुल जाता है और आराम से मास्टर उसमें डाल देता है। अब देखिए आज ऐसा क्यों लिखिए, अब देखिएगा साइन के बाद एक्स है ना, एक्स कहाँ आया है, कॉस के बाद एक्स है ना, एक्स कहाँ आया है, टेन के बाद एक्स है ना, एक्स कहाँ आया है, और मैं फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ। साइन के बाद जो है वो नीचे, कॉस के बाद जो है नीचे, टेन के बाद जो है नीचे, तो सेक के बाद भी जो होता है वो नीचे, कॉट के बाद भी जो होता है वो नीचे, कॉस के बाद भी जो होता है वो नीचे, यानी कि साइन के बाद वाला नीचे, कॉस के बाद वाला नीचे, टेन के बाद वाला नीचे आता है। अब यहाँ साइन के बाद क्या है, तो साइन के बाद वाला नीचे आता है तो नीचे ना आएगा जी, जब ही आप इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जाएगा डिवाइड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन चैन रूल, बिना इसके आप इसके आगे कुछ भी मैच नहीं हो सकता। कोरोना में आप लोग पूरा 11th का कैलकुलस नहीं बना पाए हैं, आप कोशिश कीजिएगा सर कि कैलकुलस में हायर एजुकेशन प्राप्त करना है तो 11th का पूरा कैलकुलस कम से कम बना लेना, चाहे जैसे भी बनाए। डिवाइड डी एक्स बराबर गौर से देखना, आप देखोगे डी आराम से देखना, 3 एग्जाम्पल मैं दूंगा उतना में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लास्ट तक सिर्फ देखते रहे आप। अब देखना इसके बाद नीचे में क्या लिखूं, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, अरे वाई में डी वाई डी एक्स लगा दिया, इधर डी लगाया, अब नीचे में क्या होगा, समस्या ये है, तो बगल में ही हम लिख देते हैं फॉर्मूला, वहां लिखे हैं तो आप फॉर्मूला याद कीजिए, कॉन्सेप्ट देखिए कि डी साइन एक्स आता था तो नीचे में क्या लिखते थे डी एक्स, और उसका क्या होता था कॉस एक्स, मतलब साइन के बाद एक्स होता था तो नीचे में आप एक्स लिखते थे,
साइन के बाद जो होता है वो नीचे आता है, पीछे में क्या जाता है डी। यहाँ साइन के बाद क्या है नीचे में आ गया कॉस। लेकिन यहाँ चैन से नहीं बैठेंगे हम लोग। आपके नीचे तो यहाँ कितने लोग आए, चरण सिंह आ जाए, बाबूलाल मरांडी जी आए, राजा सिंह आए, आपके नीचे स्मृति ईरानी आई, लेकिन ऊपर ले जाते गए। देखिए चरण सिंह जी प्रोडक्शन को लेगा ना, कब तक ले जाएंगे, जब तक जिससे मिलना है वो ना मिले। यहाँ किससे मिलना है, एक्स से। इनको प्यार से बोलेंगे, थोड़ा ऊपर चलिए ना, ऊपर जाएंगे तो डी कॉस एक्स बाई क्या होगा, ये दो डी कॉस के बाद वाला कहा जाता है नीचे आता है। अब देखो क्या करेंगे, जिस प्रकार से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, उसी प्रकार से यहां पर साइन ये एक्स की जगह पर है। साइन के बाद वाला क्या है, साइन के बाद वाला क्या है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, इनटू यहां भी लिखेंगे इनटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स इनटू माइनस साइन एक्स। तो दिस इनटू दिस मतलब माइनस को पहले कर दीजिए, हो जाएगा माइनस साइन एक्स इनटू कॉस कॉस एक्स। नाउ दिस इज द आंसर। एनी प्रॉब्लम, वन मोर एग्जांपल मान लिया जाए, कोई बोले आपसे, इधर दिख रहा है, देखो तो इधर दिख रहा है, यस सर। नाउ डे वन मोर एग्जांपल, एक बार फिर से क्वेश्चन देखिएगा। मान लिया जाए आपको कोई क्वेश्चन दे कि सुधा बना दो जी, आपको कोई दे 10 रूट एक्स। अगर सिर्फ टेन एक्स होता तो आराम से कर देते हैं लोग, लेकिन यहां पर जिससे मिलना है वो पूरा हेलमेट डाले हुए है। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब कि हम लोग को एक्स से मिलना है, लेकिन जिससे मिलना है वो पूरा चंद्र कमल लोड के टाइट है, लेकिन हम लोग भी फॉर्मूला लेके टाइट है, इनको छोड़ेंगे नहीं। देखिएगा कैसे करते हैं, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा डीवाई बाई डीएक्स, डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू डी। अब गौर से देखना, आप लोग बोलना मत, दिमाग मत लगाना, दिमाग लगाने का पूरा उम्र है, आज के बाद वो होमवर्क देंगे या जो बुक में है उसको आप बनाना होगा। अब यहाँ पर सोचेंगे कि नीचे में क्या होगा, तो आप यहाँ फॉर्मूला में आइए। आपको मैंने बता दिया है कि साइन के बाद एक्स है तो एक्स नीचे, कॉस के बाद एक्स है तो एक्स नीचे, टेन के बाद एक्स है तो एक्स नीचे, मतलब साइन के बाद वाला कॉस के बाद वाला टेन के बाद वाला नीचे। तो यहाँ टेन के बाद क्या है, रूट एक्स आएगा नीचे। तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही है तो अच्छी बात है, लाइफ भर तकलीफ ना हो आप लोग को। अभी तो बोलेंगे भैया हमको आप चाहिए, आप हेलमेट हटाइए ऊपर चलिए, नीचे में नहीं, जो काम करना होगा ऊपर। यानी डी रूट एक्स बटे में कितना लिख दो। अब आप बताइए कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप देख रहे हैं जी टेन एक्स का sec स्क्वायर x होता है। टेन एक्स कितना होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x की जगह पर क्या है, तो रूट एक्स। टेन एक्स का होगा sec स्क्वायर x, एंड नाउ रियलिटी इज वेल नोन दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1 बाय रूट एक्स। फॉर्मूला भी जल्दी तो लिखिए, देख रहे ना फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो कितना लफड़ा होगा। एंड नाउ द डिफरेंस ऑफ रूट एक्स इज 0 एंड नाउ द आंसर। एनी प्रॉब्लम, नो सर। अब वन मोर एग्जांपल, लेकिन इसको नोट करने के बाद अब हम कुछ वैसे सवालों को बताते हैं दीदी। अभी तक मैं दो बताया था, मतलब दो बार ऊपर नीचे करना पड़ा था, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन को बताते हैं जो तीन बार ऊपर नीचे करना पड़े, कोई तकलीफ। जैसे देखिएगा, जैसे अभी जो क्वेश्चन दिया था उसी को बना देते हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन मिल जाए आपको आई पे, तो अभी दिया था ना एक्स क्यू प्लस वन के पावर कितना था 18। अब अगर चैन रूल आपके पास नहीं रहेगा तो आप हमेशा बेचैन रहेंगे। आप सोचते हैं कि यार ए प्लस बी के स्क्वायर होता तो कर देते, ए प्लस बी का क्यूब होता तो कर देते, फोर होता तो कर देते, 18 बार तो करना बड़ा मुश्किल है यार। यहाँ से अमेरिका को पैदल जाने के लिए बोल दे आपको, या तो जो बोल रहा है वो पागल है, तो आप जा रहे हैं तो आप पागल है। उसके लिए हवाई जहाज बनाया गया है, तो यही हवाई जहाज मेरा जो है सो क्या है, तो इस पर चढ़ोगे ना बहुत जल्दी पूछो। अब आपको सोचना है एक फॉर्मूला के बारे में, समस्या क्यों हो रही है। अगर इस सिंगल के पावर 18 चढ़ता, एक के पावर 18 चढ़ता, जैसे आप फॉर्मूला पढ़े हैं डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स
होता है एन एक्स पावर। अगर खाली एक सिंगल के पावर 18 चढ़ता तो हो जाता 18 एक्स के पावर 18 माइनस वन। एक पर नहीं चढ़ा है, दो पर चढ़ा है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही से, क्या कॉन्सेप्ट है, जिस पर चढ़ता है वो आ जाता है नीचे, जिस पर चढ़े वो नीचे। जैसे बेंच पर चढ़े तो बेंच नीचे, कुर्सी पर चढ़ोगे तो कुर्सी नीचे, छत पर चढ़ जाओगे आप तो छत नीचे, आप पर चढ़ जाएगा तो आप नीचे, बाप पर चढ़ जाएगा तो आप। तो अभी किस पर चढ़ा है, एक्स क्यूब प्लस वन पर, एक्स के पावर एन तो एक्स नीचे, तो पूरे को एक्स मान लो जी। देखना डिफरेंशिएट दिख रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स क्यू प्लस वन टू द पावर 18। मैं क्या बोला, जिस पर चढ़ा वो नीचे, यानी डी एक्स क्यू प्लस वन। इनको बोलेंगे भैया ऊपर चला, आपसे नहीं मिलना है हमको कि आप नीचे आ गए हैं। अगर ठीक है चलो चलते हैं, तुमको जिससे मिलना है उसी से मिलो, सब बाई देखेंगे। अब देखो अब यहाँ किसका हुआ है, अभी सोचना है किसको करें। ऊपर और नीचे देखो, जो हट गया है मतलब उसका मामला पट गया है। ऊपर और नीचे देखने से पता चल रहा है कि कौन हटा, 18 हट गया तब नहीं नीचे आया, मैंने 18 का हुआ। ऊपर और नीचे में कौन हटा, जो हट गया मतलब ऊपर शादी ले चुका, ले चुका हो गया एक्स वाई। एक्स के पावर कितना जी, तो जाएगा 18 एन एक्स के पावर एन माइनस वन। एक्स के पावर एन, एन एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x2। एक्स क्यूब वही एक्स के पावर एन, 3x2 + 0 = 6x2 + 18 = 1 एक और सवाल, तीन छोरा देखिएगा, सवाल देते हैं हम आपको। मान लिया जाए आपको क्वेश्चन मिले डियर y इक्वल टू, एग्जांपल दे रहे हैं, और मैं अभी क्वेश्चन तो नहीं आपकी बुक से करके बना रहा हूं, लेकिन मैं आपको ऐसा बना दे रहा हूं कि आप आज जाकर एनसीईआरटी 12th क्लास एक्सरसाइज 5.3 खोलोगे तो मिरेकल हो जाएगा, लगेगा कि जैसे हम बना लेंगे। देखिएगा मान लिया जाए y इक्वल टू, क्वेश्चन मिले जी आपको y इक्वल टू sec tan रूट एक्स। अब देखिए यहाँ तीन को हो गया, नहीं हो गया sec हो गया tan हो गया, तीसरा स्टेप में यहाँ पहुंचेंगे हम। पहले करेंगे sec के बाद वाला नीचे, फिर करेंगे tan के बाद वाला नीचे आएगा तो हेलमेट पहना हुआ बोलेंगे नहीं हटा दो, अरे को देखना है मुझे जी, अब नीचे में क्या हो समस्या, अगर ये उत्पन्न हो रही है आपके दिमाग में तो मैंने बता दिया है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन वाला नीचे, साइन के बाद वाला नीचे, कॉस के बाद वाला नीचे, टैन के बाद वाला नीचे, सेक के बाद वाला नीचे, कॉस सेक के बाद वाला नीचे, तो सेक के बाद जो भी है कहां आ जाएगा नीचे, चाहे कोई दिक्कत पकड़ के नीचे। इनको बोलेंगे एयर पर चलिए प्रेम से, ऊपर जब ही जाएंगे डी टैन रूट एक्स तो टैन के बाद वाला नीचे, यानी डी रूट एक्स इनटू डी रूट एक्स डिवाइड बाय डी एक्स। अब आराम से आहिस्ता आहिस्ता सिंगल सिंगल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे, देखेंगे आप ऊपर ताकेंगे नीचे ताकेंगे, जो हट गया है मतलब मामला उसका पट गया है। कौन हटा है, सेक हटा ना, ऊपर और नीचे देखने से नहीं लग रहा है, ये लग रहा है ये हटा, कौन गया सेक हटा मतलब उसके बाद जो है सब एक्स है,
उसको x दिशा ट्रीट करना है। yes, sir. तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, सवाल नहीं बनेगा। sec x का डिफरेंशिएशन होता है dx sec x into tan x, तो जाएगा sec x into tan x, x की जगह पे कितना है tan x into मैंने भी दिया into tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है। yes, और रूट x का होता है 1/2 इतना बटे में। एंड वन मोर एग्जांपल, एक बार आगे देखते हैं हम लोग। सिंपल कांसेप्ट देखिए, हमेशा ध्यान से देखिए, मतलब ध्यान आप यहाँ है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ है और ध्यान कहीं और है तो आप नहीं समझ पाएंगे। हमेशा टीचर बोलते हैं ध्यान से देखो, कोई टीचर तो सुनेगा कि आंख से देखो, क्योंकि टीचर भी जानते हैं कि आंख का कोई लाइसेंस नहीं है भैया, ये कहीं जा सकता है लेकर का। लेकिन ध्यान यहाँ रहना चाहिए। देखिए बाप, डिवीजन मैंने किया, सेक के बाद वाला कहाँ आ गया, ऊपर ले गया, टेन के बाद वाला कहाँ आ गया, ऊपर ले गया रूट के अंदर वाला। हमने पढ़ा ना डी डी रूट एक्स बाई कितना होता है डी एक्स, रूट एक्स का होता है 1/2। अब देखिए यहाँ पर इसका किया तो सेक पूरे को एक्स मान लिया, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इनटू टेन एक्स का क्या होता है, प्लीज जवाब बताओ प्लीज। आपने पूछा भैया मुझे समझ में नहीं आया, आप बताइए डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है, जल्दी खड़ा हो। टेन एक्स का एक्स टाइप बार, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखो tan x का क्या हो गया sec square x, और root x का हो गया 1/2 root x है। वन और एग्जांपल बोलिए, चलते हैं हम लोग सवाल और बताते हैं आपको। मान लिया जाए आपको सवाल मिला, सवाल मिला, सिंपल नहीं नहीं नाम क्यों हंसाएगा, प्रिंसिपल्स है। मान लिया जाए आपको क्वेश्चन मिला रही है, गौर से देखेंगे आप sin x square plus 5, डरोगे कि करोगे, करेंगे। कॉन्सेप्ट याद है ना, साइन के बाद वाला नीचे काम हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। एंड नाउ साइन के बाद वाला नीचे, हम हाथ लगा रहे हैं, आप दिमाग लगाइएगा और बोलिएगा उसके बाद नीचे में क्या होगा, ये मैं पूछूंगा तब। व्हेन यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू साइन। अब जब पूछेंगे तो बोलना एक साथ मिले सूत्र हमारा तुम्हारा जैसा, तो मैं समझूंगा कि मुझे समझाने आ गया या तो आपको समझने आ गया। अब नीचे में क्या होगा, जस्ट राइट साइन के बाद वाला नीचे, dx स्क्वायर प्लस 5, आई हो गया dx स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय। अब देखिए साइन के बाद जो है टोटल x है, तो साइन x का क्या होता है cos x, मतलब cos x स्क्वायर प्लस 5, और x स्क्वायर का 2x, x के पावर n 2, 2x क्योंकि 5 का 0 हो जाएगा, तो जाएगा आपको 2x इनटू और तब आराम से हंसते हंसते ले लेता है। तो मैंने हंसते हंसते मैंने बहुत काम कर दिया आपको, पढ़ाई जैसा मैंने दे दिया। ये क्वेश्चन जो मैंने बताया सर, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 7वां एक्सरसाइज 5.2 का। इसके बाद एक तो मैंने इसके पहले जो बताया था साइन कॉस एक्स, इसमें है आपका कॉस साइन एक्स, नहीं कॉस नहीं साइन रूट एक्स में बताया था, इसमें कॉस रूट एक्स है सर। अब वो बता दिया आपको, 8वां 7वां भी हो गया, 8वां भी हो गया। एक सवाल और मैंने दूसरा भी बताया था कॉस साइन एक्स, साइन कॉस एक्स है, मैंने तीसरा भी बता दिया, सर अभी पहला भी बता दिया। इसी के साथ एक से लेकर 8 तक का क्वेश्चन भी खत्म हो गया सर, आपके अंदर कंसेप्ट भी चला गया पूरा अच्छा से। इसको एक बार फिर से वीडियो को देख लेंगे यूट्यूब पे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, अंदर तक जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद, बाकी क्वेश्चन बना कर आएंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट